अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। तारीख 17/3/2021। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आज क्या सीखेंगे, अलीफ से लेकर तो तक के बीच की खाली जगह को हम पूर्ते सीखेंगे। यहाँ पर हमने अलीफ से लेकर या तक के कटे हुरूफ को भी सीख लिया है और हमने अलीफ से या तक के मुरक्कब हुरूफ की तीन तीन कटे हुरूफ कैसे लिखना वो भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर ये है हुरूफ अलिफ। अब उसी के बाद हमें लिखना है अलिफ के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है बा। तो हम इसी तरह लिखेंगे बा, कटे हुरूफ में ही हमें लिखना है। बा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है बा के बाद ता। तो हम इसी तरह बा के बाद ता हुरूफ को लिखेंगे, कटे हुरूफ यानी मुरक्कब हुरूफ में ही लिखना है। ता के बाद सा, तो सा भी हमें इसी तरह कटे हुरूफ में ही लिखना है। इसी तरह सा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीम। जीम के बाद हा, हा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हा के बाद खा। और खा के बाद कौन सा हुरूफ है, दाल। तो हमें इसी तरह बीच के यानी बाद वाले खुट्टे हुरूफ को हम इसी तरह पूर करेंगे। अगर खाली जगह दी जाती है तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना होगा। दाल के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो हम पढ़ चुके हैं दाल के बाद जाल, तो हमें इसी तरह हुरूफ को लिखना है। जाल के बाद रौ, रौ के बाद जा, जा के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, सीन। सीन के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है शीन। शीन के बाद सौद, तो हमें यहाँ पर लिखना है सौद। सौद के बाद कौन सा हुरूफ आएगा, दौद। दौद के बाद तो। तो प्यारे बच्चों, अगर अलीफ से लेकर तो तक में इसी तरह की खाली जगह अगर हमें दी जाए तो हम आसानी के साथ हुरूफ को लिख सके। इसीलिए हमने आज क्या लिखा है, अलीफ से लेकर तो तक कटे हुरूफ में हमें इसी तरह यानी एक एक कटे हुरूफ, जैसे बाकी तीन कटे हुरूफ है लेकिन बाकी तीन कटे हुरूफ में से कोई भी हुरूफ हम लिख सकते हैं। तो हमें अलीफ से लेकर तो तक इसी तरह हमें हुरूफ को लिखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आसानी के साथ खाली जगह या खुट्टा हुरूफ कुछ भी हुरूफ कैसे भी दिए जाए हम आसानी के साथ हुरूफ को लिख सके। तो प्यारे बच्चों, हमें होमवर्क में क्या करना है, हमें होमवर्क में अलीफ से लेकर तो तक जिस तरह मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखकर दिखाया है इसी तरह खाली जगह करके हमें लिखते सीखना है। हमारी अरबी की नोटबुक में हमें दो मर्तबा होमवर्क करना है, ये हमारा होमवर्क है। हमें होमवर्क में क्या करना है, अलीफ से लेकर तो तक की खाली जगह को हमें दो मर्तबा लिखना है, ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।